चुनाव का अंतिम चरण कल चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं और हम अभी रवि राणा के साथ में हैं। नवनीत राणा जो चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का अमरावती, क्या चुनाव के परिणाम के प्रति कितनी संभावनाएं लगती है, क्या नवनीत राणा चुनकर आएंगे, आएंगे तो क्यों आएंगे और आने के बाद में क्या अमरावती के राजनीति में क्या बदल आएगा, क्योंकि पूरा अमरावती का राजनीतिक क्षेत्र सिर्फ रवि राणा आगे नहीं बढ़े इसलिए पूरे चुनाव क्षेत्र में कार्यरत था, क्यों ऐसा ये भी जाने। रवि भैया, कल चुनाव के रिजल्ट क्या अपेक्षा करते हैं आपकी, क्या होगा? जिस तरह से 9 साल से नवनीत राणा लगातार समाज में काम कर रही है, गरीब तबका है, किसान है, मजदूर है, युवा है, युवती है, सर्वसामान्य जनता है, हमेशा उन्होंने अपना जनसंपर्क राष्ट्रपति जो काम करने की जो पद्धत है, जो कर्तव्य है, वो हमेशा निभाते रहे। 2014 में जो इलेक्शन हारे तब भी नर्वस में होते हुए लोगों ने जो उनके प्रति जो रिजल्ट दिया उसको मान्य किया और वापस जनता में वापस उतरे और वापस काम करने शुरू किया और कंटिन्यू 5 साल जनता के बीच वो काम करते रहे। इससे मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग समाज के बीच में रहकर काम करते हैं, समाज के हर समस्या में दौड़ते हैं, यहाँ से लेकर मुंबई के मंत्रालय तक एक काम करके आते हैं और एक काम करने की शैली, एक ताकत, एक पद्धत हमारी ठेठ जनता से लेके तो मंत्रालय तक, हर अधिकारी से लेके नेता तक, वहाँ तक जाके हम एक एक काम खींच के लाते हैं। उस पर से हमको लगता है कि जनता इस बार नवनीत राणा को पूरा आशीर्वाद देंगी। कितनी भी कठिनाइयाँ, कई न तो नेताओं का विरोध, कई नेताओं को लगता था हमारी राजनीति धोखे में, हमने राजनीति करना चाहिए, ये लोगों ने आगे नहीं आना चाहिए, ये लोग आगे आने से हमारी राजनीति खत्म होगी। राजनीति कोई नेता किसी नेता की खत्म नहीं करता है, राजनीति जनता खत्म करती है। अगर नेता अगर ठीक से काम नहीं करना है कर रहा है तो जनता उसको सबक सिखाती है। इसलिए जिन जिन कुछ नेताओं ने काम विरोध किया हमारा, क्योंकि यही बोलना है कि मन लगा के जनता का काम करो, जनता का भरोसा जीतो, जनता के दिलों में राज करो, किसी भी नेता की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा ताकत ही जनता रहती है, उसके बीच अगर प्रतिमा अच्छी रही तो कोई किसी को रोक नहीं सकता। वही किस्सा, वही एक बहुत बड़ा रिजल्ट कल आपको दिखाई पड़ेगा कि ये नवनीत राणा की जीत नहीं तो अमरावती जिले की विकास की जीत है, अमरावती जिले की जनता की जीत। जैसा नवनीत राणा, रवि राणा दो नेतृत्व अलग अलग थे, जहाँ मैंने बताया कि रवि राणा को आगे नहीं बढ़ने देना, उसी साथ में जितना नवनीत राणा को आपका सपोर्ट मिलता है मतलब उतना ही कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आपके नाम के साथ, क्योंकि आपकी छवि लोगों में ऐसी कि सब लोगों की राजनीति खत्म करते हैं, आपने किया भी लोगों को यहाँ पे वैसा। नहीं, ऐसा है कि राजनेता की राजनीति मैंने खत्म की, मैं लोगों में काम करता हूँ, मैं लोगों में लोकप्रिय हूँ, लोगों ने मुझे दो बार अपक्ष अंदर भी चुन के दिया, वो मेरी जो लगन और जनता के प्रति जो श्रद्धा थी, जो काम करने की पद्धति थी, उसके भरोसे मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और कहीं ना कहीं अगर कोई जनता के भरोसे आगे जाता है तो कोई ना कोई एक नेता को रुकना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं गोर गरीबों की, किसानों की, युवाओं की, सर्वसामान्य जनता की अगर समस्या सुलझाता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ, तो हर नेता ने वो काम करना चाहिए, मेरे से भी अच्छा काम करना चाहिए, मेरे से भी आगे जाना चाहिए, कोई किसी को रोकता नहीं है। पर काम करने की उसकी इच्छा होना चाहिए, उनकी क्षमता होना चाहिए, उनकी ताकत होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, जनता के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, कोई वो जनता को न्याय दे सकता। कोई भी नेता आगे बढ़ता तो यदि उसको काम करना है तो उसका काम छीन के आप लिया थे, महानगर पालिका के पैसे आपने छीन के लिया, काम विकास काम सारा का सारा रुक गया, ये छवि जो लोगों में, लोग घबराए हुए आपसे, आप उनको कैसे संतुष्ट करोगे? कोई भी काम अगर राज्य का मुख्यमंत्री भी मुझे चाहता है, राज्य के बड़े बड़े नेता मुझे चाहते हैं, शरद पवार साहब मुझे चाहते हैं, कांग्रेस के अशोक चौहान है, अहमद पटेल है, बड़े बड़े नेताओं से मेरे जो संबंध है, तो मेरा बोलना है इस संबंध का उपयोग मैं अमरावती जिले के विकास के लिए करता हूँ। और अमरावती जिले के विकास के लिए अगर मैं कोई नीति लाता हूँ, कोई कार्य करता हूँ, मैं समझता हूँ उसमें छोटी मोटी जो राजनीति होती है वो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कुछ ऊपर से फंड लाता हूँ, काम करता हूँ, तो इन्होंने भी करना चाहिए।
इन्होंने भी वो काम करना चाहिए, अपने विकास के लिए सब एक साथ आना चाहिए, विकास के लिए सब एक साथ आके काम करना चाहिए। मैं तो यही चाहूँगा नवनीत राणा को अगर जनता ने साथ दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, ताकत दी, तो मैं चाहूँगा कि सभी नेताओं ने नवनीत राणा के साथ आके, मेरे साथ आके, ये जिले के विकास के लिए, जिले के भविष्य के लिए सब इकट्ठा आके परिवार जैसा काम करना चाहिए। पूरा परिवार जैसा उनको साथ दूंगा और मन के जो भी खटास है, मन की जो द्वेष है, भावना है, वो मिटा के अमरेज अमरावती जिले के विकास के लिए कैसे साथ में आएंगे उसके लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन होता भी नहीं, जैसे आप लोग उन्होंने करना चाहिए, वो करते भी कोई फंड भी लाता तो रवि राणा छिनके ले जाता, श्रेय भी लेता तो रवि राणा छिनके ले जाता, इनको कैसे आश्वस्त करोगे उनका फंड आप नहीं छीनोगे, उनका श्रेय आप नहीं लोगे? ऐसा है, मैंने तो आज तक किसी का फंड छीना नहीं, किसी के कार्य को किसी को रोकने की कोशिश नहीं किया। मेरा ये बोलना है कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ उसमें अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ जनता के विकास काम को रोकने की और उसको रोकने की कोशिश करने करना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जनता आशीर्वाद देती है और मैं चाहता हूँ जनता के लिए मैं किसी भी स्तर पे जाके उनका हर काम, हर समस्या सुलझाऊँ, यही मेरा कर्तव्य रहेगा। इसीलिए मेरा जिन जिन लोगों ने मुझे कई बार मेरे पर आरोप लगाया, कुछ लगाया, तो उसे चाहते कि किसी भी काम में राजनीति करना चाहिए, पर हर काम में राजनीति करना ये अच्छा नहीं है, उसके लिए जनता सक्षम है, जनता सब समझती है और इसी का रिजल्ट नवनीत राणा को मिल रही है। पर जैसे रिजल्ट आने वाला है, निश्चित रूप से आप जीत के प्रति आश्वस्त ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत भी की, आपकी मेहनत पूरे अमरावती जिले में होगी, मेहनत 9-10 साल से हम लोग भी साथ देख रहे हैं आपकी मेहनत, मेहनत के माध्यम से आप अपक्ष होकर भी यहाँ पर और सभी लोगों का, सभी ग्रुप का आपने समर्थन लीजिए, क्या जादू चाहिए? आपने अभी बताया कि आपको फडणवीस भी चाहते हैं, आपको शरद पवार भी चाहते हैं, आपको उद्धव ठाकरे भी चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन कैसे एक साथ हो सकता है? ऐसा है कि आज जब गली में राजनीति होती है तो गली में हर कोई एक बेग का दुश्मन रहता है। मैंने तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक, मुंबई में नजदीक से राजनीति देखा है, राजनेताओं को देखा है कि ऊपर लेवल पे सभी नेता एक रहते और हमेशा कार्यकर्ता एक में के साथ लड़ते रहता है। तो मुझे ये मालूम है कि अगर अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का विकास करना है तो ऊपर लेवल पे राजनीतिक सबसे संबंध होना चाहिए। सरकार किससे आएंगी, कौन बनेगा, कौन आगे रहेगा, उसका कोई भविष्य बता नहीं सकता, पर संबंध सबसे रहे तो 100% अपने एरिया का अपन विकास कर सकते हैं। इसलिए मेरे संबंध सभी नेताओं से और सभी नेता मुझे चाहते हैं, मेरा भी उनसे लगाव है, तो आने वाले समय में उन नेताओं का पूरा वापर जिले के विकास के लिए करूँगा, जिले के न्याय के लिए करूँगा, जिले की समस्या कई साल से ऐसी पड़ी है उसको तेजी से दौड़ाऊँगा और यहाँ के हर विकास को एक गति दूँगा, यही मेरा संबंध का पूरा रूप, पूरी शैली काम करनी है। पूरे देश में एक ही स्वर चालू है कि हर जगह मोदी का है, तो आपकी यहाँ पर कंपटीशन मोदी से थी कि आनंद राव से थी? देखो, अभी इस क्षेत्र के अंदर एक सातारा में रहने वाला व्यक्ति जिसका जन्म सातारा, गांव सातारा है, जिसका पूरा परिवार, पूरा घर सब बार मुंबई में, उस व्यक्ति को अमरावती की हमारी जनता ने इतना 10 साल से आशीर्वाद दिया, 10 साल अमरावती की जनता ने भर भर के उनको आशीर्वाद दे के बाहर के व्यक्ति को इतना प्यार दिया जनता ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमरावती के प्रति आनंदराव रसूल खड़े उतरे नहीं, उन्होंने अमरावती की जनता को निराश किया, ना कभी संपर्क रखा, ना कभी विकास किया, ना लोगों के काम किए, ना लोगों की मदद किया, सिर्फ इलेक्शन लड़ते थे और बाद में इलेक्शन का जीते नहीं। तो सही मायने में अमरावती जिले में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अमरावती की जनता ने डिसाइड किया था 2014 में आनंदराव अशोक को वोट देना, पर मजबूरी से 2014 में आनंदराव अशोक को वोट न देते हुए मोदी जी को वोट दिया जनता ने, और मोदी जी को वोट देने से 2014 में नवनीत राणा का पराभव हुआ। और इस बार परिस्थिति जरा अलग थी, इस बार आनंदराव अशोक वर्सेस नवनीत राणा ऐसी डायरेक्ट टक्कर थी, उसमें लोगों ने मोदी जी को भी देखा नहीं, मोदी जी के आगे के जो रास्ते थे उनको देखा नहीं, पर हमको अमरावती का खासदार जिनको 10 साल हमने दिया वो हमको बदलना है, और 2014 में जो गलती हुई वो 2019 में लोगों ने सुधारी और नवनीत राणा को एक ताकत से आशीर्वाद दिया, ऐसा मुझे लगता है। ये अमरावती की सीट हमने सुना देवेंद्र फडणवीस की थी,
शरद पवार की भी थी, उद्धव ठाकरे भी किया, तीनों का आपको पीछे से समर्थन मिला थी। देखो अभी रिजल्ट तो कल लगने वाला है और कई पत्ते जो मैंने खोले नहीं है वो मैं आने वाले समय में जो आपके मन में, जनता के मन में, कई यहाँ के नेताओं के मन में जो है वो सब पत्ते कल के बाद परसों में खुलेगा और उसमें हर चीज़ क्लियर होंगी और लोगों को तो समझ में आई है कि सीएम ने क्या किया, उद्धव ठाकरे ने क्या किया, शरद पवार साहब तो पूरा ताकत से साथ में थे, अशोक चव्हाण थे, कांग्रेस के नेता थे, तो सब पत्ते कल के बाद परसों जरूर खुलेंगे और जनता के बीच पूरा सक्षम मोक्ष होगा। पर मेरा एक ही बोलना है, सभी लोगों ने नवनीत राणा का काम किया है, कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष किया, कुछ ने अप्रत्यक्ष किया है, तो सभी निर्णय पेटियाँ जब खुलेंगी तो उसका चित्र क्लियर होगा, उस पर से कई आपके जो मन में जो शंका है वो पूरी क्लियर होगी। एक प्रश्न जो नहीं पूछना चाहिए, समझो नवनीत राणा तो ऐसा है कि इतने साल की मेहनत, इतना लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद, मुझे पक्का विश्वास है कि नवनीत राणा को एक बेटी और बहू के समान लोगों ने आशीर्वाद दिया है और वो हमने सवाल ही नहीं है, भारी मतों से चुन के आ रही है, भारी वोटों से चुन के आएंगी और विदर्भ में सबसे ज़्यादा वोटों से नवनीत राणा चुन के। बहुत बहुत आपको चुन के आने की तरफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करते हैं कि चुन कर आए और अमरावती की राजनीति में कुछ बदलाव हो, अमरावती का विकास हो, यही आपसे अमरावती का थैंक यू, धन्यवाद।